तो हेलो एवरीवान वेलकम टू माई चैनल कॉमर्स नोट्स आज हम इंटर डिसिप्लिनरी इशू इन इंडियन कॉमर्स जो बी कॉम थर्ड सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारा सब्जेक्ट है उसका चैप्टर सेकेंड जो हमारा मेक इन इंडिया है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि आपको पता है कि हमने इसके इस सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस किया है उसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है चैनल पर प्लेलिस्ट भी बन गई है तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो आप कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं इसको मेक इन इंडिया हमारे चैप्टर का नाम है जिसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें पेपरों में आता है तो so स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको 15 मार्क्स में आता है आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं जो 15 और 5 मार्क्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं वो हम इस वीडियोस में करते हैं इस चैनल पर तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव तो आपको एज इट इज़ ये फाइव और फिफ्टीन मार्क्स में आता है तो आ जाए तो कैसे करना है वो इस वीडियो में हम समझेंगे तो क्या बोल रहे हैं कि जो मेक इन इंडिया है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है ऐसा कैंपेन है जिसे लॉन्च किया गया था हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सेप्टेंबर टू में ठीक तो in है तो मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव है कैंपेन है जिसको लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सेप्टेंबर टू में आपको लॉन्चिंग डेट पता होनी चाहिए क्यों किया गया ताकि हमें इंकरेज करें हम कंपनीज़ को जो भी फॉरन कंपनी है या फिर वो डोमेस्टिक कंपनी है दोनों को हमें इंकरेज करना है कि वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया में बनाए ठीक है अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को कहाँ करें जो भी प्रोडक्ट है उनके उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो इंडिया में ठीक है इसका प्राइमरी गोल था इस इनिशिएटिव का प्राइमरी गोल था कि हमें बूस्ट करना है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमारे जो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको हमें बढ़ाना था ठीक है सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें क्रिएट करनी है जॉब्स क्योंकि जब इंडिया में प्रोडक्ट बनेंगे मैनुफैक्चर होंगे तो वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगे हमारे इधर ठीक है एंड हमें ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफेक्चरिंग हब में होप आपको ये मीनिंग समझ आया और एक बार मैं इसको क्या है ब्रीफ कर देती हूँ कि जो मेक इन in इंडिया इनिशिएटिव कैंपेन है इसे लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन में हम इंकरेज कर रहे हैं इसमें कंपनीज़ को चाहे वो फॉरन हो चाहे वो डोमेस्टिक कंपनीज़ हो हमें इंकरेज करना है कि वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया में बनाएं ठीक है अच्छा इसका प्राइमरी गोल क्या है हमारा कि सबसे पहले तो हम क्या है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में वो बढ़ाएं, क्रिएट करें जॉब्स को ट्रांसफॉर्म करें इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में ओके okay, अब आगे देख लेते हैं हम सो so, यहाँ पे बोला है कि आर की पॉइंट्स ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ठीक है तो हम देखते हैं यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है इसमें तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव अभी हमने पढ़ा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है ना इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जी में उसे हमें क्या है बढ़ाना है और क्रिएट करना है हमें मिलियंस ऑफ जॉब ठीक है तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है फिर हम सेक्टर्स की बात करें तो बोल रहे हैं इस इनिशिएटिव में हमने पर्टिकुलरली ना ट्वेंटी की सेक्टर्स को देखा था इनमें फोकस किया था इसमें जैसे कि ऑटोमोबिल्स हो गए टेक्सटाइल हो गए केमिकल हो गए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गए फार्मास्यूटिकल

अट्रेक्टिव डेस्टिनेशन फॉर मैनुफैक्चरिंग गर्वमेंट हेज टेकन सेवल स्टेप्स अब देखो मेक इन इंडिया में हमें क्या है कहीं ना कहीं मैन्यूफेचरिंग इसके अंदर हम मेक इन इंडिया के अंदर हमने मैनुफैक्चरिंग को बढ़ाना था तो इसमें क्या है हमने कहीं ना कहीं इंडिया को इंडिया लोग अपना मैनुफैक्चर करें इंडिया में है ना तो हमें क्या है एक अट्रेक्टिव डेस्टिनेशन बनाया है यहाँ पे कि लोग क्या है मैनुफैक्चर करें तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए कि सिंप्लीफाई करें हम प्रोसीजर्स को रेगुलेशन को अगर कोई यहाँ पर आके मैनुफैक्चरिंग करना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोसीजर ना फॉलो करना पड़े बहुत ज्यादा रेगुलेश्स ना हो ठीक है सिंप्लीफाई कर दिया उसको ठीक है कॉम्प्लेक्स को क्या है सिंप्लिस में बदल दिया इसके अंदर लाइक like, हमने क्या किया इंप्रूव किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने इसमें कट uh, किया बहुत ज्यादा जो पेपर वर्क होता था बहुत ज्यादा प्रोसेस होती थी तो उसको क्या है इजिल किया ठीक है ताकि ईजी हो कि कोई भी बंदा यहाँ पे स्टार्ट और ऑपरेट कर सके अपना बिजनेस ओके फोर्थ अगर हम देख लें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है आपको क्या है इन्फोसाइज करना पड़ेगा डेवलपमेंट जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर का उसमें जैसे नई बिल्डिंग होगी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने हमने मॉडर्नाइज करना है जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है ठीक है ताकि क्या है यहाँ पे एक अट्रैक्टिवनेस हो और लोग बोले हाँ हम यहां पे क्या अपने प्रोडक्ट्स को क्या हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बिकॉज यहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है ठीक है हमें इंश्योर करना था कि यहाँ पे क्या है पावर uh, सप्लाई अच्छे से होती है ठीक है हमें इंप्रूव करना था अपना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज हमने डेवलप डेवलप uh, भी करना था और बनाना भी था ठीक है ताकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है वो एफिशिएंट हो ओके okay? फिर नेक्स्ट है हमारा अगर हम फीचर्स पढ़ें तो सबसे नेक्स्ट uh, है हमारा स्किल्स डेवलपमेंट कह रहे ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जब हमने क्या करना था मेक इन इंडिया में हमने मैनुफेक्चरिंग uh, सेक्टर यहाँ पे खुल रहा है मैनुफेक्चरिंग ज़्यादा हो रही है है ना तो मैनुफैक्चरिंग जब ज़्यादा होगी तो वहाँ पर हमने देखा था कि क्रिएट होंगी इससे मिलियंस ऑफ़ जॉब तो वहाँ पर काम करने के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है तो स्किल्स की डेवलपमेंट करने के लिए भी क्या यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया था इसके अंडर तो बोल रहे हैं कि हमें सपोर्ट करना था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तो वहां पर हमने क्या है फोकस किया कि कैसे हम स्किल्स को डेवलपमेंट कर सके उसकी ठीक है लाइक यहाँ पर प्रोवाइड की गई ट्रेनिंग एजुकेशन वर्कर्स को ताकि क्या जो भी नेसेसरी स्किल किसी पर्टिकुलर जॉब में रिक्वायर्ड है वो क्या है उन्हें मिले ताकि क्या है कहीं ना कहीं इससे इन्हांस हुआ हमारी स्किल्स किसकी वर्कफोर्स की ठीक है ताकि हम मीट कर सके जो भी डिमांड है इंडस्ट्री की फिर हाँ, in है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने क्या है इनक्रेज किया कि फॉरेन कंपनी क्या है इंडिया में इन्वेस्ट करें हमने इससे अलाउ हुआ कि हाईर लेवल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है वेरियस वेरियस सेक्टर में इंडिया में आई पॉलिसीज हमने बनाई उसको यहाँ लिखा है कि पॉलिसीज़ हैव भी लिबरलाइज हमने पॉलिसीज़ बनाई उन्हें लिबरलाइज किया ताकि इजिली क्या है फॉरन कंपनी सेटअप कर सके अपने ऑपरेशन को इंडिया में और मैनुफैक्चरिंग कर सके अपने प्रोडक्ट को नेक्स्ट अगर हम फीचर देखें तो इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी कह रहे जो इनिशिएटिव है इसने प्रमोट किया कि इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसे हमें क्या है मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में अप्लाई करनी है इसके अंदर आ गया जैसे कि हमने इनकेज किया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो ठीक है हमने अडॉप्ट किए इको फ्रेंडली मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस को ताकि हम मिनिमाइज कर सके जो भी इनका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पड़ता है तो ये हमने बेसिकली ना फीचर्स पढ़े ठीक है तो अब हम इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इधर फोकस किया गया ट्वेंटी फाइव की सेक्टर्स में ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या है इस इनिशिएटिव में टारगेट किया गया ट्वेंटी फाइव सेक्टर्स को जिसमें क्या हाई ग्रोथ पोटेंशियल है इसमें हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे फिर हमने देखा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हमने ना ईजी कर दिया कि क्या बिजनेस अगर खोलना है ऑपरेट करना है इंडिया में तो उसके लिए हमने प्रोसेस को क्या करा ईजी किया लाइक like हमने रिड्यूस किया पेपर वर्क को फास्टर अप्रूवल प्रोसेस किया हमने ठीक है इंप्लीमेंट किया कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाए ठीक है कि मतलब क्या एक ही बारी में क्या जितने भी क्लियरेंस आपको चाहिए वो मिल जाए ठीक है फिर हमने लिबरलाइज की फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को इंक्रीज किया हमने एफ लिमिट बहुत सारे सेक्टर्स में ठीक है ईजी किया हमने रेगुलेशन जो फॉरन कंपनीज के लिए होती है कि वो ईजिली सेटअप कर सके अपने अपने को इंडिया में ओके okay, फिर नेक्स्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने देखा कि हमने डेवलपमेंट की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्मार्ट सिटीज की अपग्रेड किया हमने जो भी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क था लाइक रोड रेलवे स्पोर्ट्स एयरपोर्ट फिर हमने इंप्रूव की कि पावर सप्लाई यहाँ पे अच्छे से हो लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बेटर बनाया स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए जिसके अंदर हमने ट्रेन और एजुकेट किया वर्कफोर्स को फिर वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें तो वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई ठीक है फिर इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी हमने देखा कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या है ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इनकरेज किया कि सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो ठीक है तो ये हमने पढ़े मीनिंग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के और फीचर्स पढ़े तो अगर आपको फाइव मार्क्स में फीचर आते हैं तो आप फीचर्स भी लिख के आ सकते हो जो हमने पढ़े और अगर आपको मीनिंग आएगा फाइव मार्क्स में तो आप अभी जो हमने ऊपर मीनिंग पढ़ा वो अदरवाइज़ क्या है घट्टे आता है क्वेश्चन की मेक इन इंडिया और उसके फीचर्स ओके सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो